ये पता नहीं कौन लोग है भाई, गाड़ी रोक ली इन्होंने। तो गाइस अब हमने यहाँ से, एक मिनट रुको जरा, फैन ऑफ करना पड़ेगा, ओए चुप रहे। तो गाइस हमने यहाँ से चाय पी ली है और जितने भी हमारे सिख पार्टी थे सबसे हम मिल लिए हैं और अब हम जा रहे हैं घर के लिए। अब देखते हैं तीसरा स्टॉप हम कहाँ लेंगे, दो तो हम ले चुके हैं, अब तीसरा देखते हैं कहाँ लेंगे। पर बने रहे व्लॉग में, और भी अच्छे अच्छे नज़ारे आपको दिखाएंगे। रात का टाइम हो गया है, टाइम हो गया 8:15, तो चलते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में। तो गाइस एक और टोल आ चुका है, तो यहाँ पर गाड़ी लगाएंगे और देख, यहाँ पर यार बताते तो है नहीं कितने का टोल लग रहा है, क्या लग रहा है, कुछ नहीं बताते है लोग, जो पता तो चलता नहीं कितने का हमारा टोल कटा है या नहीं कटा। बिल्कुल भी पता नहीं चलता इसमें, 210 का है सर। तो गाइस अपनी गाड़ी में है हवा कम, और एक जगह हमने हवा चेक करवाई, इनकी तो डाली नहीं और मेरी और कम कर दी उनने यार। भाई हवा डालने रहा, हवा डालो, हवा देखो भाजी 35 दस रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, क्या ओके 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 दस रहे हैं, कहीं और चेक करवा लेंगे यार, छोड़ो इस पे आई नहीं तो ये मना ही करेगा। तो यार यहाँ तो कुछ काम हुआ ही नहीं, अब चलते हैं कहीं और से चेक करवाएंगे। तो उस भैया ने जो जो उन्होंने चेक करी थी हवा, देखते हैं सही करी है कैसी करी है। हाँ यार कम ही है मेरी वाली में भी, एकदम से डल रही है भाई, एकदम लगाते ही डल जा रही है हवा। जब हवा पहले से पूरी है तो नहीं, उसमें 32 दिखा रहा था ना, 35 हो गया, 35 हो गया, तो क्या लो प्रेशर सही रही है, सही है लो प्रेशर पहले टायर में देखता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमारे जाते टाइम देखो भोलेनाथ जी मिले थे हमें, फिर दोबारा से मिले हैं और दिखाता हूँ आपको सही से, देख तो रहे ही होंगे आप, मैं तो सामने गाड़ी को फोकस कर रहा हूँ, आप देखो जरा दर्शन करो। और अभी हम देखो पहुँचे, अभी हमारे को टाइम लगेगा, अभी 328 किलोमीटर रह गया दिल्ली, तो अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा और फिर आगे जाके मिलेंगे आपको। तो गाइस एक और आ चुका है टोल टैक्स, अब यहाँ पे टोल कटवाते हैं और चलते हैं। यहाँ तो टोल नहीं लगा भाई हमारा, भाई देखो यहाँ पर हुआ बहुत तगड़ा एक्सीडेंट, ये देखो ओ भाई साहब, तेल के वो है तो बच गए भाई, बच गया, तेल के वो थे तो एक्सीडेंट बच गया, बच गया, बच गए, नहीं तो ये देख रहे हो गीला गीला सा, ये सारा तेल है पेट्रोल है। बेटा ध्यान से चलो बस, भाई साहब बिल्कुल पेट्रोल बिखरा पड़ा था। हाँ। वो तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ वो, लेकिन भाई साहब ये देखो रोड अभी भी थोड़ा थोड़ा गीला, सबके टायर गीले हैं, दिख रहा हो तो आपको तेल के निशान होंगे अभी भी। हाँ है ना, तो अब 300 किलोमीटर रह गया दिल्ली इस लाइन में, तो इस जितने भी फार्मर सपने हैं सबने यहाँ पर जो है रोड ब्लॉक किया हुआ है, देखो कैसे अपना घर यहीं पर ही बना रखा ट्रकों के अंदर, और पूरा रोड जाम है ये वाला, देख लो आप, चाहे शायद आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, यहाँ से दिखाने की कोशिश, ये देखो ये आगे दिख रहा आपको, ये किसानों ने सब बंद कर रखा है, इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए यार, इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही और इनकी वजह से हम लोगों को भी दिक्कत हो रही है, ये देख रहे हो पूरा बंद कर रखा है इन्होंने। और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी भाई, जब तक मैं तो कहूँ यहाँ ना हटे, जब इनकी मांगे पूरी हो जाए, क्योंकि किसान ही है यार जिसकी वजह से हम जी रहे हैं यार, खाना खाते हैं, गेहूं आता है, आटा जो हम खाते हैं, ठीक है, दाल आती है, चावल आते हैं, सब इन्हों की बदौलत है, अगर ये ना हो तो फिर इनकी मांगे पूरी ना हो तो फिर हम क्या खाएंगे। तो चलो ये देखो कितने इन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं ट्रकों के अंदर, ट्रोलों के अंदर। तो गाइस हम रात को फिर दोबारा उसी खतरनाक वाले रास्ते से निकल रहे हैं, और आज टाइम हो रहा है 11:41 रात के, ये देखो टाइम, और हमें यहीं से निकलना पड़ेगा,
जा रही है और एक ये जा रहा है, इससे आगे लेनी पड़ेगी। अब रोड थोड़ा खराब है लेकिन ये 10 किलोमीटर पड़ेगा और वहां से पड़ता हमको ज्यादा। इसके पीछे यहाँ पर एक टनल भी आई है, ये बड़ी गंदी सी टनल है, ये देखो कीचड़ कीचड़ हो रही है पूरी। चलने दो इसको राम राम से। पूरी गाड़ी डूब रही है, टायर डूब रहे हैं इसकी गाड़ी के, कोई दिक्कत नहीं हो तो अपनी गाड़ी के नहीं भी साफ कर लेता हूँ शीशे, है ना, गंदे हो रहे हैं। गाइस अभी हम देख लो फिर दोबारा उसी रोड से जा रहे हैं जिस रोड से हम उस दिन निकले थे, आपने पिछली वीडियो में मेरी देखा होगा, जंगल के बीच में से रास्ता है भाई बिल्कुल, और खेत है कहीं पे, बिल्कुल बियाबान जंगल है, कहीं पर खेत है, कहीं पर दो चार झोपड़ी टाइप बनी हुई है, और देखो चारों तरफ बिल्कुल सुनसान है, कोई ना बंदा है ना बंदे की जान। अगर बंदे की गाड़ी में कोई दिक्कत हो गई ना तो वो बस यहाँ फंसा ही रहेगा बेचारा बच्चों को लेके। ये यार फार्मर्स अपने जितने भी हमारे भाई है यार, इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए, इनकी वजह से यार हम लोगों को दिक्कत हो रही है, सामने पूरा रोड जाम है। तो यार मैं तो यही चाहूँगा कि भाई इनकी मांग पूरी हो और ये रास्ता खुल जाए जल्दी से जल्दी, नहीं तो यार फैमिली वालों के साथ कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। वो तो हिम्मत इसलिए बनी हुई है कि एक ये गाड़ी चल रही है, एक हमसे आगे, इससे आगे एक और थी, एक दीपक भाई की चल रही है, उसके पीछे शायद एक गाड़ी और है। तो यार ये जरूर ध्यान दो सरकार, जिसके भी हाथ में ये है इनकी मांगे पूरी करनी, तो यार करो ना, क्यों रोड ब्लॉक करवा रखे तुमने यार। टोल टैक्स कटवा रहे हैं हम, किस लिए कटवा रहे हैं, इन रस्तों पे चलने के लिए टोल टैक्स कटवा रहे हैं हम। ये देखो अब यहाँ पे रोड कैसे निकालू मैं गाड़ी, ये सामने गाड़ी चल रही है आप उसे ही देख लो, थोड़ी मैं मंदी करता हूँ आपको दिखेगी, कैसे ही बंदा मतलब स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पर जंगलों के बीच में, बताओ। अगर किसी की, भगवान ने चाहे किसी की गाड़ी में कोई दिक्कत होगी ना, यहाँ कोई साइड करवाने वाला भी नहीं है गाड़ी को, तो भाई इस चीज को सरकार को देखना चाहिए, इतना भी मतलब अपने आप में वो नहीं रहना चाहिए घमंड में कि भाई किसी की ना सुने जाए। अगर नहीं सुन रहे तो भाई इनको फार्मर्स को भाई रोडों पे से हटाओ, जो टोल टैक्स आप ले रहे हो ना सरकार जो टोल ले रही है वो अपना फिर टोल बंद करो, फिर हम टोल दे के यहाँ तक आए हैं, अब हम यहाँ पर मतलब फंसे जंगलों में। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कोई लूटपाट कुछ नहीं हो रही, अगर यहाँ पर किसी की गाड़ी खराब हो जाती है तो यहाँ सही करने वाला भी कोई नहीं है, साइडों में बिल्कुल गुप्पन दे रहा घना जंगल। ये तो हमने देखो, दिखा दूं आपको, दिखाना मम्मी, ये देखो सारे लटवट सब तैयार है, अगर ऐसी कोई बात हुई तो लट बजा देंगे भाई, और तो कुछ नहीं है हमारे पास। पहली बात तो हम गाड़ी नहीं रोकेंगे, अगर रोकेंगे भी तो भाई लट ही बजा सकते हैं, धीरे धीरे गाड़ी, नहीं तो भाई जो नहीं तो जो भाई बंदा अगर आ भी गया कोई ऐसा तो उससे फिर सीधा कहेंगे भाई अगर तेरे अंदर कितनी जान है तो दू पर दू आ जा अखाड़े में कूद ले, देसी पहलवान है भाई। इसलिए ये देखो ये रोड है या गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढे हैं, ये गड्ढे में रोड है भाई, ये देखो ये गई गाड़ी, ओ इसकी गाड़ी गई, अब भाई कहाँ ले जा रहा भाई तू, भाई ये गलत उतर गई बेचारे की गाड़ी साइड, ये बंदा पागल हो गया भाई, पागल नहीं सही दिखता है, उसने सही नहीं निकाली वहां पर, उतर गई मम्मी उसकी गाड़ी गलत, अब वहां से चढ़ाएगा वो। अरे यार अब कहाँ जा रहा भाई, किसके खेत में उतर गया, एक तो गाड़ी इतनी हिल रही है वीडियो नहीं बनाई जा रही, 100 मीटर देख रहा भाई बंदा खेतों में घुस गया, वो या तो पहले से आया होगा यहाँ पर, उसे पता होगा इस रास्ते के बारे में, ठीक है हमें तो भाई कुछ पता नहीं, तो हम भी भाई यही खेतों में उतारेंगे गाड़ी को, थोड़ी बहुत तो हमें भी खेतों के मजे लेने दो, गाड़ी की अलाइनमेंट भी मतलब सारी खराब हो जाएगी जिस तरीके का रोड है, ये देखो स्लिप मार रही है गाड़ी। अबे चल भाई, और दीपक भाई वाली गाड़ी पीछे बहुत ज्यादा पीछे है मारते, ये कोई नहीं आने दो भाई, ये गड्ढे में रोड है, रोड पे गड्ढे नहीं है गड्ढे में रोड है,
और सामने कुछ लोग खड़े हैं भाई अपना ट्रक लेके। अब पता नहीं कौन है, हमें तो पता नहीं, लेकिन हम तो भाई वीडियो भी चालू ही रखेंगे अपनी। अगर कोई ऐसी बात हुई तो भाई वीडियो में भी प्रूफ रहना चाहिए हमारे पास। गाड़ी का नंबर भी आ रहा है ना, ये पता नहीं भाई क्या गाड़ी रोक ली इन्होंने हमारी। दिखा, ये पता नहीं कौन लोग है भाई, गाड़ी रोक ली इन्होंने। गाड़ी निकल सकती लेकिन ये बंदा नहीं निकाल पा रहा, पता नहीं क्या है पंगा। ए भाई चल यार, क्या हो गया? अब बना। देखो गाइस, इस बंदे, ये बंदा पागल हो गया भाई, कहाँ घुसेड़ रहा अपनी गाड़ी को यार। वहां पर ना मेरे ख्याल से वो आ गया, एक छोटा सा वो तालाब सा, उसके ऊपर से निकालनी पड़ेगी हमें गाड़ी। ये पीछे लेगा, जब तो मैंने जगह छोड़ रखी, इसके लिए मुझे पता है पीछे लेनी पड़ेगी इसे। भाई टाइम देख लो, राइट 12 बज रहे हैं, और ऐसे बियाबान जंगल में तो यार फैमिली के साथ बड़ा ही रिस्की वाला मामला है। और ये कैमरा मैंने इसलिए ऑन कर रखा भाई, कोई भी ऐसी हरकत हुई तो इनकी तो दही तोड़ देगा तुम्हारा भाई अकेला ही। बच्चों को लॉक करके अंदर, बाहर लटी लट चलेंगे फिर तो। लेकिन यार ये चीज मम्मी गलत है ना, सरकार ने जो ये मतलब कर रखा है ना सीन किसानों के साथ। अब उनको इसलिए हमें परेशानी हो रही है, वो सोच रहे कि मांग पूरी हो। अरे यहाँ से सरकार का कोई बंदा निकलना चाहिए, उसे पता चलेगा रात के टाइम कितना रिस्की रोड है ये। यहाँ का बंदा ना हो, कोई बाहर का बंदा आके यहाँ पे हरकतबाजी कर दे कुछ। ओए ओए भाई आराम से, थोड़ा गिराएगा क्या मेरे ऊपर ही। कोई बाहर का ही बंदा सीन करने आए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ के लोगों को बेचारों को बदनामी उठानी पड़ेगी उस चीज की। ये वहाँ तो लूटपाट होती है, वैसे भी तक तो हमें कुछ ऐसा लगा नहीं पहले, हुई कही है ना। लेकिन यार तीन चार लड़के तो थे, वो अंदर को चले गए खेतों में को, है ना मम्मी। तीन लड़के आए थे, उन्होंने जब देखा ना यहाँ पे पूरी लाइन है गाड़ियों की, तो खेतों में चले गए। गाइस ये देखो, दो बंदे ये जा रहे, और इनके साथ जो कुछ बंदे थे ना, ये शायद इनके साथ कुछ बंदे थे वो खेतों में चले गए, और ये पैदल पैदल आ रहे हैं। इनका क्या मतलब है यहाँ घूमने का? अब इन्होंने देखी ना जब चार पांच गाड़ियां हैं, तो ये चुप से धस्सा खा गए। अगर एक गाड़ी होती ना, पक्का उसके साथ हरकत होती कुछ ना कुछ। और सामने भी जो गाड़ी चल रही है ना HR, ये 0909, इसमें भी फैमिली है, हमारी गाड़ी में भी फैमिली है, और पीछे भाई की गाड़ी चल रही है उसमें भी फैमिली है, और उसके पीछे भी एक गाड़ी चल रही है, इसलिए सबका हौसला बना हुआ है एक दूसरे को देख के। भाई ऐसा मतलब बहुत गलत बात है यार, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, ऐसा सरकार को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनकी बात माननी चाहिए भाई, इनके चक्कर में, सरकार के चक्कर में हमारी किसी दिन किसी फैमिली की लंका लग जाएगी भाई ढंग से। भाई ये देखो, इस जंगल की बात कर रहा हूँ, चारों तरफ सफेदे के पेड़ है, और ये खाली खेत है, और कुछ नहीं है, बंदा ना बंदे की जात। भाई मैं लाइट तेज करके दिखाता हूँ आपको, खेतों में को गाड़ी ये निकाल रहे हैं। दिखाइए जरा मेरे को, दिखा फोन। ये देखो, मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार इस चीज पे तो एक्शन होना चाहिए जरूर यार, सच में होना चाहिए। बस यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर ये जो उप वो होते हैं ना, उपले रखे हुए होते हैं, उसकी वो है, ये झोपड़ी ऐसी बनी रहती है, इसके अंदर उपले होते हैं, आपको पता होगा, सर्च कर लेना उपले किसे कहते हैं, अगर जिसको नहीं पता हो, बाकी तो मोस्टली लोगों को पता ही होगा। ये देख लो, ये रोड है यहाँ का। भाई आप भी क्या हो गए, पूरा व्लॉग इसी पे बना दिया भाई, क्या करें। आप सभी को भी तो अवेयर करना पड़ेगा ना, इसलिए गाइस अब जाके हम निकले हैं रोड पे, ये बंदा अकेला ही चला गया था। इसकी मस्ती आ गई होगी देख के, पीछे लाइट है गाड़ी हो गई है ना। हाँ यार, बहुत सपोर्ट मिलता है एक दूसरे को देख के। अजीज का भी आज वो, ये तो अकेले जी निकला पड़ा था सबका, ऐसा कोई डर तो नहीं था, लेकिन बस यही था कि भाई यहाँ हो चुकी ना, टीवी में दिखा रखी है। हाँ, होता है ना, गलत चीज है सोना, ऐसी जगह पे ही तो करते हैं वो लोग।